तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं और बेटर तरीके से समझाता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, पिछले वाले मीटिंग में एक डायग्राम स्किप कर रहा था तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, दूसरा लैग का भी प्रॉब्लम आ रहा था तो मैं डायग्राम एक स्किप कर रहा था इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे। अभी इस बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं डिटेल डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला डीएनए था आपके सामने, ये रहा ये पेरेंटल डीएनए पूरा का पूरा, ठीक है। उसमें आप जान रहे हैं कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 और एक स्ट्रैंड 3 to 5 वाला है, ठीक है। आपको पता है दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल इन नेचर होता है, ठीक है। मैंने कहा ये ओराई साइड, जब ओराई साइड के पास से अनवाइंडिंग हो गया, मैंने माना लो कंप्लीट अनवाइंडिंग हो गया, ठीक है। लेकिन अनवाइंडिंग के साथ साथ ही डीएनए का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो भाई ये इनिशिएशन पॉइंट है, ओराई साइट है, तो जब यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ होगा तो अगर ये वाला एंड 5' है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3' एंड आया होगा, ठीक है। और इसके बाद अनवाइंडिंग का इधर वाले फॉर्क में यहाँ पे 5' एंड आया होगा, ठीक है। और इस वाले में जब अनवाइंडिंग हुआ होगा तो यहाँ पे 5' एंड आया होगा और यहाँ पे 3' एंड आया होगा। ये तो मैंने पहले भी समझाया, इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है? आंख खड़ा कीजिए जल्दी से फटाफट, यहाँ तक सब कुछ ठीक है? चलिए सब कुछ ठीक है। अच्छा, अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन के दौरान पहले प्राइमर बनता है। लड़की लोग हाथ खड़ा क्यों नहीं करते हैं भाई? अगर समझ में आ गया तो बोलिए, नहीं तो फिर यहाँ तक फिर से समझाना पड़ेगा मुझे। निशा रिभा, लैग हो रहा है क्या अभी भी? नो सर, लैग नहीं हो रहा, एक बार फिर से बता दीजिए वाला। अच्छा ये वाला फिर से बता दे, रिभा रिभा का लगता है लैग हो रहा है, रिभा बाहर गई चले गए, उसका लैग हो रहा है, इसका मतलब उसके इलाके में ही नेट का प्रॉब्लम है, होता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो ये वाला फिर से मैं क्या समझाऊं निशा, देखो यार मैंने कई बार समझाया ये बात, ये वाला ओल्डर स्ट्रैंड था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक स्ट्रैंड था, ठीक है ऐसे, और ये ऐसे था यहाँ से यहाँ पूरा, ये मैंने पहले भी बोला ये ओल्डर स्ट्रैंड है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ओराई साइड के पास से जब ओपनिंग हुआ ना, तो ओपनिंग के पास जो किनारा दोनों आएगा, यहाँ पे 3' एंड आएगा और यहाँ पे 5' एंड आएगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के बाद ये एक पूरा डीएनए का स्ट्रैंड माना जाएगा और ये एक पूरा डीएनए का स्ट्रैंड माना जाएगा। यहाँ पे अगर 3' एंड है तो इसके किनारे पे अपोजिट एंड होना चाहिए ना, और यहाँ पे अगर 5' एंड है तो इसके किनारे पे अपोजिट एंड होना चाहिए ना, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 5 है तो यहाँ 3 होगा। बोलो अब समझ में आया निशा? यस, ठीक है। तो ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये बात समझाने वाली है ही नहीं, ठीक है। हाँ अब बात यहाँ ये है, रिभा आ गए हो? यस सर। लैग हो रहा है क्या ज्यादा? अपने आप मीटिंग से बाहर हो जा रहे हैं, हमको लगता है तुम्हारे बाजार समिति में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है ऐसा। हम उधर पहले जाते हम बाजार समिति में नहीं रहते हैं, इधर रहते हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलो तो यहाँ तक तो ये पुराना बात है, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आपको पता है कि जब ओराई साइट के पास से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो पहले आरएनए का प्राइमर बनता है, तो मैं आरएनए का छोटा सा प्राइमर बना रहा हूँ, पहले बनाऊ चलेगा? लो मैं आरएनए का प्राइमर बना रहा हूँ, यहाँ पे आरएनए का छोटा सा प्राइमर बना होगा, अरे बना होगा। और मैं लो मैं प्राइमर का पहले डायरेक्शन लिखता हूँ क्या, 5' to 3', ये आरएनए प्राइमर है। अच्छा ठीक है सर जी। अच्छा एक बार बताओ, जिस दौरान अनवाइंडिंग हो रहा होगा तो उस दौरान ये पूरा स्टैंड एक साथ तो नहीं खुला होगा ना, जहां तक मान लो खुला होगा, तो यहां तक अगर खुला होगा, जैसे ये खुलते 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 इधर ये वाला खुल रहा है, तो इधर से अनवाइंडिंग हुआ, मतलब यहाँ से इनिशिएशन मतलब कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, इसमें यहाँ तक मान लो खुल गया था, यहाँ तक खुल गया था मान लो, तो अगर यहाँ तक खुल गया था तो एक छोटा सा प्राइमर यहाँ पे बन गया होगा, हाँ, और उसका भी डायरेक्शन 5' to 3' ही रहा होगा। ये बात कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, ये बात पहले वाली है, नहीं नहीं है ये बात। अच्छा फिर जब और अनवाइंडिंग हुआ होगा, अच्छा बताओ तब तक पहले डीएनए का रेप्लिकेशन में न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंटिन्यू हुआ होगा, ऐसे यहां तक डीएनए का स्ट्रैंड बना होगा कि नहीं बना होगा, जहां तक खुला है और इसमें यहां तक बन गया होगा, ठीक है। और जो डीएनए बना होगा उसका डायरेक्शन लो मैं लिख देता हूँ, लो जल्दी से, लो मैं लिख देता हूँ उसका डायरेक्शन 5' to 3', और ये भी 5' to 3', अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, पिंक वाला डीएनए है और येलो वाला आरएनए है, ठीक है। चाहे आरएनए बने या डीएनए बने, डायरेक्शन तो उसकी 5' to 3' ही होती है, ठीक है। तो अब बताओ जब अनवाइंडिंग हुआ होगा तो अनवाइंडिंग का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ, इसमें अनवाइंडिंग का डायरेक्शन कहाँ है भाई, इधर की तरफ है कि नहीं, बोलो। इसमें अनवाइंडिंग का डायरेक्शन इधर है और इस वाले में अनवाइंडिंग का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है।
तो एक बात मुझे बताओ, इसमें अनवाइंडिंग इधर चल रहा है तो इसमें भी तो सेम टाइम पर कुछ काम हुआ होगा ना। अब बताओ इसमें क्या काम हुआ होगा, देखो जल्दी से, आप ही देखो। आरएनए का प्राइमर बनाओ, कहाँ बनेगा आरएनए का प्राइमर, देखो इसमें थ्री डेस एंड यहाँ पे है, उसके सामने क्या मैं वो वाला एंड बना, थ्री डेस एंड है उसके सामने मैं छोटा सा, अरे यार उसके सामने मैं छोटा सा प्राइमर बना दूं आरएनए का, लो यहाँ पे मैंने बनाया। और प्राइमर का डायरेक्शन वही रहेगा 5' to 3', क्योंकि ये भी तो एक नया स्ट्रैंड है, 5' to 3', ये लो 5' to 3'। अब उसके बाद इधर भी मान लो कि मैंने यहां तक माना कि यहां तक खुल गया था एक बार में, ठीक है, तो अगर यहां तक खुल गया था तो यहां पे कहीं ना कहीं आरएनए का एक छोटा सा प्राइमर बना होगा, लो यहां तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, यहां तक कितनों को समझ में आ गया, 5' to 3'। चेन का कंटिन्यूटी किया होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने, लो यहां तक बन गया होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, बनाया होगा डीएनए सेगमेंट यहां तक, और उसका भी डायरेक्शन 5' to 3' ही रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, 5' to 3'। बोलो बस सही है। अच्छा इसका भी डायरेक्शन 5' to 3'। यहां तक अगर पूरा बात समझ में आ गया तो बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, अनवाइंडिंग रुका तो नहीं है ना, अगेन अनवाइंडिंग हुआ, लो अगेन अनवाइंडिंग हुआ, और इस बार मान लो अनवाइंडिंग यहां तक हो गया, इसका अनवाइंडिंग यहां तक हो गया, मान रहे हो अनवाइंडिंग चल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। अब मुझे बताओ, जब और अनवाइंडिंग हो गया तो इस वाले स्ट्रेन में तो इट कंटिन्यू हो जाएगा डीएनए बनना, बोलो यस और नो। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लो डीएनए बन गया यहाँ से यहाँ नया, उसमें क्या दिक्कत है, डीएनए यहाँ से यहाँ बन गया। अच्छा बताओ डीएनए का बनने का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा, 5' to 3', यस और नो, लो 5' to 3'। लेकिन जब इतना खुला होगा तो इसमें प्राइमर बना होगा यहाँ पे, बोलो मानते हो, छोटा सा आरएनए प्राइमर बना होगा, और प्राइमर का डायरेक्शन आपको पता है वही होगा 5' to 3'। ये बात कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए, ये बात कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, मैंने कहा ना डायग्राम स्किप नहीं करेंगे, सब समझ में आएगा। चलिए उसके बाद इसमें चेन कंटिन्यू हुआ होगा यहाँ तक मान लो, और चेन नया डीएनए का बना होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने बनाया होगा, उसका भी डायरेक्शन क्या रहा होगा, 5' to 3'। उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया होगा। अच्छा सेम कहानी इधर भी हुआ होगा, जब इधर अनवाइंडिंग हुआ होगा तो ये वाला चेन तो कंटिन्यू हो गया होगा ऐसे, और नया चेन बना है, नए चेन का डायरेक्शन तो हमेशा वही होता है ना, 5' to 3', ठीक है। और इस वाले में पहले प्राइमर बना होगा भाई, थोड़ा सा इधर से डायरेक्शन है इसमें, और प्राइमर का डायरेक्शन भी वही होगा क्योंकि वो भी तो न्यूक्लियोटाइड का ही चेन है, 5' to 3'। और देन उसमें चेन इलोंगेशन हो गया होगा, यहां तक आया होगा, ये डीएनए का चेन है और इसमें वही डायरेक्शन 5' to 3'। कितने को समझ में आ गया, यहां तक कितने को समझ में आ गया कहानी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए अब मैं अनवाइंडिंग वाला बात मिटा रहा हूँ, मिटा दूं, अब आप समझ चुके हैं। चलिए अब बताइए, ये पूरा का पूरा डीएनए यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा मतलब ये वाला एक और ये वाला एक, यही तो डीएनए का तो स्ट्रैंड था ना, यही तो था ना भाई। अब आप गौर कीजिए, जो ओल्डर स्ट्रैंड था मैं उसमें अगर आपसे बात करूं, ये वाला 3' एंड है राइट जी, और इसमें यहां पर 3' एंड है, कहां पे, यहां पे राइट। अब बताइए इस 3' के सामने भी एक आरएनए पॉलीमर बना हुआ है, हाँ बना हुआ है ना, इसके सामने भी नए वाले डीएनए में एक आरएनए पॉलीमर बना हुआ है, उसी की हम कुछ बात करने वाले हैं आपसे, अभी करेंगे ठीक है। चलिए अब बताइए, जब ये सब कुछ हो गया तो इस दौरान आरएनए प्राइमर हटाने के लिए कौन आया होगा, जल्दी बोलो नवीन, आरएनए प्राइमर हटाने के लिए कौन आया होगा, जल्दी बोलो, वन नंबर सर, डीएनए पॉलीमरेज वन, वन नंबर बोलने से क्या, आरएनए भी वन होता है, डीएनए पॉलीमरेज वन, तो बताओ वो डीएनए पॉलीमरेज वन आकर आरएनए प्राइमर तो हटाया होगा, लो मैं सब जगह से आरएनए प्राइमर हटाऊं एक एक करके, चलो पहले ओराई साइड से, चलो यहां पे आरएनए प्राइमर हटाऊं, हटाया आरएनए प्राइमर, और हटाने के बाद यहां क्या बनाया होगा नवीन, बोलो जल्दी से नवीन, यहाँ क्या बना होगा, हाँ सर यहाँ क्या बना होगा, डीएनए का सेगमेंट, यस और नो,
हाँ सर, यस मैं लाल सर, कलर से बना रहा हूँ डीएनए का सेगमेंट, और इस डीएनए का सेगमेंट का डायरेक्शन वही रहा होगा क्या, 5-3 days, क्या रहा होगा 5-3 days, एट द सेम टाइम कौन आया होगा, जल्दी बोलो, डीएनए लाइगेज, बोलो यस और नो, एट द सेम टाइम कौन आया होगा, डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज जोड़ेगा यहाँ फेविकॉल की तरह, कैसे और दिखाते हैं, ये 5 days एंड देख लो, जो अभी अभी जस्ट नया बना है, अभी जस्ट नया बना है, उसको इधर वाले डीएनए के 3 days से जोड़ देगा, कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला, इस 5 days को 3 days मिला और जोड़ दिया डीएनए लाइगेज, ठीक है, एक एक करके प्राइमर हटा रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके प्राइमर हटा रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, चलो आगे देखो, इसमें भी हटाओ, एट द सेम टाइम यहाँ पर ये वाला प्राइमर हटाओ, पहले हटाया, चलो कौन हटाया होगा आपको पता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज़ 1, और उसने क्या किया होगा यहाँ पे, बना दिया होगा डीएनए का थोड़ा सा चेन, ये लो बनाया मैंने, इसका डायरेक्शन बोलो, अरे भाई 5-3 days, डायरेक्शन में क्या है 5-3 days, अभी जस्ट जो बना है डीएनए, अरे अभी जस्ट जो डीएनए बना है उसका 5 days ये रहा, ठीक है, और ये वाला जो डीएनए का चेन है जो नया वाले में बन के तैयार है उसका 3 days ये रहा, डीएनए लगेज आराम से जोड़ देगा, कितनों को समझ में आ गया कि यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये काम तब होता है ना, ये प्राइमर हटाने का काम कब होता है, जब पूरा खुल जाता है, पूरा सब कुछ हो जाता है, दोनों डीएनए का मॉलिक्यूल हट जाता है, तब जाके ये सब काम चलता है, ठीक है, प्राइमर हटाना, वहां पे जोड़ना, प्रूफ रीडिंग, ये सब तब चलता है, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि अनवाइंडिंग और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जोड़ दिया, चलो यहाँ पे भी जुटना आसान था, जुड़ गया, ठीक है। चलो इस वाले में देखो, इधर वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे एट अ टाइम ये वाला प्राइमर हटेगा और ये वाला प्राइमर भी हटेगा, हटा दें, लो हटा दिए, बताओ निशा यहाँ पे क्या बना होगा, जहाँ पे सारे ने प्राइमर हटा क्या बना होगा, दली बोलो, डीएनए का स्ट्रैंड कौन बनाया होगा यहाँ पे, डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा कौन, ये बताओ, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो हटाएगा वही बनाएगा, 5-3 days बन गया, बनता तो 5-3 days ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या अभी जस्ट जो नया बना है उसका 5 days एंड को 3 days एंड मिल गया कि नहीं मिल गया, तो क्या डीएनए लगे जोड़ देगा, हाँ बिल्कुल जोड़ देगा, जोड़ दिया, अरे बोलो जोड़ दिया। चलो इस वाले में देखो, इधर आ जाओ, यहाँ पे प्राइमर हटा है, अभी जस्ट हटा आरएनए प्राइमर, तो यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट बना होगा, क्या बना होगा भाई, डीएनए का सेगमेंट, और डीएनए का सेगमेंट का डायरेक्शन क्या रहा होगा, वही 5-3, बनने वाले का डायरेक्शन हमेशा 5-3 होता है, ठीक है। अभी जस्ट जो बना है उसका 5 days एंड, वो क्या 3 days एंड कहीं मिल गया डीएनए में, हाँ मिल गया, ये रहा जस्ट बगल में, तो जोड़ दिया डीएनए लगे, यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया। डीएनए लैगेज का एक्शन तब होगा जब 5 days वाले को 3 days के साथ जोड़ने का जगह मिल जाए, तभी जोड़ पाता है, वो नहीं तो नहीं जोड़ पाता है, ठीक है। चलिए अब बताओ क्या डीएनए पॉलीमरेज 1 ने इसको भी हटाया होगा आरएनए प्राइमर को, बिल्कुल हटाया होगा, क्या इसको भी हटाया होगा, बिल्कुल हटाया, अरे बिल्कुल हटाया होगा। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर नहीं बन पाता है क्या आरएनए, सॉरी नहीं बन पाता है क्या डीएनए, नहीं बनता है, जगह खाली रह जाता है, ये जगह खाली है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये जगह यहाँ पे खाली रह जाता है, यहाँ पे भी ये जगह खाली रह जाता है। अब आप बोलोगे क्यों, तो क्यों इसका जवाब आप ऐसे सोचो कि अगर यहाँ पे डीएनए बन जाता, लो मान लिया बन गया, ठीक है, लो यहाँ पे भी बन गया, डायरेक्शन मानो तो क्या होगा उसका, 5-3 days, यहाँ पे 5-3 days। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जस्ट जो बना है, जो आपने माना कि बन गया, उसका 5 days ये रहा, अरे ठीक है, और इसका 5 days ये रहा, क्या इसको 3 days एंड कहीं मिलेगा जोड़ने के लिए, सभी लोग अपना चैट में आंसर बोलिए। अभी जस्ट जो बना है आपने बोला कि मान लो अगर बन गया, क्या उसको 3 days एंड मिलेगा जोड़ने के लिए, जल्दी बोलो, क्या उसको 3 days एंड मिलेगा जोड़ने के लिए, सभी लोग बोलिए जल्दी से, नहीं बोले निशा, मिलेगा नहीं,
तो अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा होता ही नहीं कि ये बनेगा। मैंने कहा ना सपोज करो बन गया, तो सपोज करने से कोई फायदा नहीं है, बनता ही नहीं है। यही मैं बताना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात को बताने के लिए मुझे डायग्राम को इतना एलोबरेट करना। तो अब बताओ ओवरऑल नया डीएनए का मॉलिक्यूल ये रहा आपके सामने, कौन इधर देखेगा ध्यान से, ये एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल आपके सामने बन के तैयार, एक डीएनए ठीक है, और एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये आपके सामने बन के तैयार, दो डीएनए बन गया भाई लो। लेकिन आप गौर कर पा रहे हो इन दोनों ही स्ट्रैंड में यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोटा रह गया, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यस ये जगह छोटा रह गया। जब अगली बार डीएनए खुलेगा रेप्लिकेशन के लिए, तो रेप्लिकेशन के बाद अगली बार जब रेप्लिकेशन होगा, ये वाला भी एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, ये वाला भी एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, ये वाला भी एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, ये वाला भी एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा। इससे जो डीएनए बनेगा नया, इससे जो डीएनए बनेगा नया उसका साइज भी छोटा होगा, इससे जो बनेगा नया, इससे जो बनेगा नया उसका तो और भी छोटा होगा। कितने को समझ में आया मैंने क्या बोला? इससे जो नया डीएनए बनेगा अगली बार रेप्लिकेशन में, इससे जो बनेगा रेप्लिकेशन में उसका भी साइज छोटा होगा, इसी तरीके से जैसे भी हुआ है। लेकिन इससे और इससे जो बनेगा उसका साइज तो और भी छोटा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है। कितनों को समझ में आ गया? लड़की पार्टी जल्दी बोलो, लड़की पार्टी समझ में आया? निशा, निशा तबास, यस तबास, आप बताओ अगर ऐसे दर कदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन होते जाए, तब तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? सेल डिवीजन में एस फेज, किसमें? यूकेरियोट्स। प्रोकेरियोट्स में जस्ट आप बिफोर बाइनरी फीजन। तब तो जब जब सेल डिवीजन होगा, जब तब बाइनरी फीजन होगा, जब जब एस फेज चलेगा, जब जब सेल डिवाइड करेगा, तब तब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तब तो जितना बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का साइज घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा, बोलो घटता जाएगा ना? अब सुनिएगा यहाँ पे, तो जब जब सेल का डिवीजन होगा डीएनए का साइज घटता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि डीएनए काफी रिड्यूस होता चला जाएगा, और आपको पता है कि डीएनए का ही सेगमेंट, डीएनए का ही सेगमेंट होता है जो आरएनए बनाता है, जिसको हम जीन कहते हैं, और उसी से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही कैरेक्टर बनाने के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, कोई ना कोई एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है, और वो एंजाइम किसी न किसी हमारे रिएक्शन को अंजाम देता है, किसी न किसी रिएक्शन में भाग लेता है। तो अगर ऐसा होगा कि सेल डिवाइड करते जाए तो उसका तो जीन लॉस होते चले जाएगा ना भाई, किनारे से। शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए कहते हैं इसको, शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। तो एक समय ऐसा आएगा कि सेल अपने आप को खुद समझा लेगा, भाई अब डिवीजन रोक दो, क्योंकि जितना डिवीजन करोगे डीएनए का लॉस होगा, अब डिवीजन रोक दो। तो सेल एक समय के बाद खुद अपने आप को बोल देगा कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे इसी डीएनए से काम चलाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला है, डीएनए का रेप्लिकेशन केवल सेल डिवीजन के दौरान ही होता है, बाकी नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चलता रहेगा आजीवन, जब तक सेल रहेगा। लेकिन अगर सेल को लगता है कि मुझे डिवीजन करके नंबर बढ़ाना चाहिए, तो उसी दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जितनी बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नए बनने वाले डीएनए का साइज घटता जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद सेल डिवाइड करना बंद कर देगी आपके बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिम के बॉडी की सेल डिवाइड करना बंद कर देगी। और उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद होगा ये कि सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो अब अगर जितनी बार आपने डिवीजन करना था करता गया, आपका डीएनए का साइज घटता चला गया, इसको बोल रहे शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। तो इसकी वजह से आपका डीएनए का सेगमेंट खत्म होता चला गया, तो कुछ ना पर्टिकुलर एंजाइम बनना रुकते चला गया, इसीलिए आपके बॉडी का कुछ ना कुछ फंक्शन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इसी को बोलते हैं एजिंग सिम्टम्स, इसे क्या बोलते हैं? एजिंग ऑफ सेल। और इससे आपके अंदर आपके सेल कुछ ना कुछ काम करना बंद करते जाएंगे धीरे धीरे। जब एज बढ़ता जाएगा ना, तो रेप्लिकेशन होता जा रहा, तो धीरे धीरे डीएनए का साइज घटता जा रहा है। एक समय के बाद डीएनए बहुत छोटा हो गया, अब वो डिवाइड भी नहीं करेगी, तो छोटा सा डीएनए से ही काम चलेगा जितना दिन चलेगा, फिर उसके बाद सेल मर जाएगा। धीरे धीरे सेल मरता जाएगा, आपका एजिंग आता जाएगा, सिम्टम्स आता जाएगा, कुछ कुछ काम रुकते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ सेल। इसके बारे में हायर क्लास में आप और भी पढ़ोगे, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर समझ में आ गया, सेल जितनी बार डिवाइड करेगा सेल का उतना नुकसान है, क्योंकि सेल जितनी बार डिवाइड करेगा डीएनए का साइज उतना बार घटेगा। बोलो ये बात समझ में आया सभी को? बोलो ये बात सभी को समझ में आ गया? अरे बोलो, चलिए सभी को समझ में आ गया कि सेल जितनी बार डिवाइड करेगा उतनी बार सेल का साइज घटेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट, बोलो क्या? सर
प्लांट के अंदर पढ़ते हैं मेरिस्टमेटिक सेल, पढ़ते हैं ना सर मेरिस्टम सेल। एनिमल के अंदर पढ़ते हैं डिवाइडिंग सेल, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। जैसे हम यहाँ पे बात करें जर्म सेल, खूब डिवाइड करते हैं सर। मेरिस्टम सेल से कई सारा नया सेल बनते रहता है, जर्म सेल से भी कई सारा जर्म सेल बनता रहता है। तो सर ये अगर डिवाइड करेगा और अगर डीएनए का साइज घटता जाएगा तब तो मेरिस्टम सेल से जितना नया सेल बनेगा सब में छोटा छोटा डीएनए आएगा ना सर। तब तो बॉडी का ग्रोथ होगा तो छोटा छोटा डीएनए को लेकर ग्रोथ होगा। तो सुनिएगा मेरी बात, ये जितना बात मैंने बोला है ना शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए, ये मेरिस्टम सेल और जर्म सेल में या फिर जो भी डिवाइड कर रहा है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, मतलब जो लगातार डिवाइड करने वाले सेल है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मेरिस्टम सेल हो, जर्म सेल हो या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हो, उसके अंदर ये फिनोमेना नहीं पाई जाती है, उसके अंदर शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए नहीं होता है। अब आप बोलोगे क्यों, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरिस्टम सेल, जर्म सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल के पास नॉट शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। अब आप बोलोगे क्यों, तो सुनो ध्यान से। ड्यू टू हैविंग अ वेरी स्पेशल एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज टीलोमेरेज, दैट एंजाइम इज टीलोमेरेज। अब आप बोलोगे सर टीलोमेरेज एंजाइम क्या है, सुनेगा ध्यान से। ये एंजाइम एक प्रकार का राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, आरएनए और प्रोटीन का मिक्सर है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है ये, आरएनए और प्रोटीन का मिक्सर है ये, कौन टीलोमेरेज एंजाइम। नाम से पता चल रहा है टीलोमेरेज, मतलब टीलोमेर के पास कुछ काम करेगा। ये क्या करता है, forms short DNA segment at telomeric part, at telomere, and joins with new DNA। ये telomerase जो होता है ना, ये telomerase enzyme केवल और केवल टीलोमेर वाले पार्ट पर, मतलब यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर एक डीएनए बना के ऐसे 5-3 ऐसे, और यहाँ पर भी एक डीएनए, वो भी किसमें, केवल मेरिस्टम सेल, जर्म सेल और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में 5-3 ऐसे बना के उसको इसके साथ जोड़ देगा। सुनेगा ध्यान से, इसके साथ ऐसे जोड़ देगा। ये प्रॉपर्टी केवल इस एंजाइम के पास है। कितनों को समझ में आया, टीलोमेरेज एंजाइम खास एंजाइम है, आरएनए और प्रोटीन का मिक्सर होता है ये एंजाइम, छोटा सा डीएनए सेगमेंट बनाएगा केवल टीलोमेर वाले पार्ट पर, वो भी केवल मेरिस्टम सेल, जर्म सेल और जो उसे लगातार डिवाइड कर रही है उसके अंदर बना के उसको, ये जो नया वाला डीएनए था पूरा का पूरा उसके साथ जोड़ देगा, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम, जैसे ये एंजाइम जो बनाने वाले जीन है, सुनेगा ध्यान से, ये एंजाइम है, इसमें देखो प्रोटीन वाला पार्ट भी है और आरएनए वाला पार्ट भी है। इस एंजाइम को जो बनाने वाले जीन होंगे ना जी, एज के साथ साथ ये जीन डिलीट होता जाता है, एज के साथ साथ ये जीन डिलीट होता जाता है। तो बताइए, अगर एज के साथ ये जीन डिलीट होता जाएगा तब तो कुछ दिन के बाद मेरिस्टम सेल, जर्म सेल और जो उसे लगातार डिवाइड कर रहे थे वो भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मेरिस्टम सेल, जर्म सेल और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल भी शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए शो करने लगेंगे। इनफैक्ट होगा क्या कि वो भी डीएनए, मतलब वो भी सेल डिवीजन रोक देंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अब अगर हम भी डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो मेरा भी शॉर्टनिंग होगा, तो हम डिवीजन ही क्यों करें, क्योंकि मेरा तो काम है कि हम डिवीजन करेंगे तो छोटा डीएनए नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा साथी कौन है, टीलोमेरेज। लेकिन टीलोमेरेज अब खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इस पर्सन का एज हो गया, अब टीलोमेरेज खुद नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा कि किनारे पर कोई ऐसा नहीं है कि उसको मेकअप कर देगा, तो टीलोमेरेज नहीं है, तो अब होता क्या, इनफैक्ट कि उसको बनाने वाले जीन डिलीट नहीं होते हैं, बेसिकली उसको बनाने वाले जीन क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या बोलोगे आप उसको, इनएक्टिवेट विथ एजिंग। जैसे जैसे एज होगा तो इस एंजाइम को बनाने वाले एंजाइम इनएक्टिव नहीं होता है,
इस एंजाइम को बनाने वाले जीन एज के साथ साथ इनएक्टिव होने लगते हैं, तो अब एज के साथ साथ मेरिस्टेम सेल, जर्म सेल और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल भी डिवीजन करने के बाद शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए शो करेगा या तो डिवाइड करेगा ही नहीं। कितने को समझ में आ गया यहां तक, जल्दी बोलो, यहां तक कितने को समझ में आ गया, समझ में आ गया? चलिए अब सुनेगा ध्यान से, ये सब बात नॉर्मल है, ऐसा होता है सेल के अंदर, ये सब हायर स्टडीज में आप थोड़ा और इलोबरेट वे में पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा सेल के अंदर होता है कि एजिंग सिम्टम्स आने लगते हैं, एज एक एक एज के बाद मेरिस्टेम सेल, जर्म सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल भी डिवाइड करना बंद कर देती है, और जो भी सेल डिवाइड करेगा शॉर्टनिंग दिखाएगा डीएनए का, तो उसे एजिंग सिम्टम्स आएगा, कोई ना कोई डेफिशियंसी आएगी, ओके। अब क्या होगा, लोग बोलते हैं क्या ये टीलोमेरेज एक्टिविटी, मतलब टीलोमेरेज एंजाइम का एक्टिविटी सोमेटिक सेल में नहीं मिलता, सोमेटिक सेल इज द जनरल सेल ऑफ योर बॉडी, सोमेटिक सेल जो आपके बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, नहीं मिलता, नहीं मिलता। सोमेटिक सेल जब भी डिवाइड करती है शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, तो उसमें डीएनए शॉर्ट होते चले जाते हैं, आपका पूरा बॉडी जो ग्रो किया है डिवाइड कर करके, जब आप यंग थे तो उस टाइम तो वो मेरिस्टेम सेल थे, डिवाइड कर करके मतलब मेरिस्टेम सेल के प्लांट में बोलते हैं, मतलब जर्म सेल से बहुत सारे सेल आपका बना बॉडी में और फिर आप ग्रोथ कर गए, ठीक है। उसके बाद जब 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 सोमेटिक सेल डिवाइड किया, सोमेटिक सेल जब भी डिवाइड किया तो वहां पे टीलोमेरेज एक्टिविटी नहीं चला, और अगर टीलोमेरेज एक्टिविटी नहीं चला तो नए वाले सेल में डीएनए का लेंथ घटते चला गया, ठीक है। तो एक एज के बाद सेल डिवाइड करना बंद कर दी, और अगर डिवाइड करेगा भी तो एजिंग सिम्टम्स आएगा, ठीक है। ये बात नॉर्मल है यहां तक, लेकिन यहां तक से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, क्वेश्चन क्या आया है इससे अपर लेवल का आया और वो नीट में आ चुका है, बताऊं क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से, ये यहां तक नॉर्मल बात है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो टीलोमरेज एक्टिविटी है ना, टीलोमरेज एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो कि टीलोमरेज एक्टिविटी जब तक रहेगा तब तक सेल डिवाइड करते रहेगी, और सेल जो डिवाइड करेगी नया सेल भी मस्त वाला बनेगा, डीएनए शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा बॉडी क्या है ना, इस तरीके से बना है कि एक एज के बाद हम खुद मरने के लिए तैयार होने लगेंगे, क्यों समझ में आ रहा है ना, ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर टीलोमेरेज एंजाइम। एक एज के बाद हमारा वो जीन इनएक्टिव होने लगेगा टीलोमेरेज को बनाने वाला, और हम खुद मरने के लिए तैयार होने लगेंगे, क्योंकि हमारा डीएनए छोटा होने लगेगा, हम खुद अपने फंक्शन को रोकने लगेंगे और एक समय के बाद मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक सेल होता है कैंसर सेल, जिसको आप ट्यूमर सेल भी कहते हो, ओके, अरे ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल को हम लोग बोलते हैं अमर है, ये मरता नहीं है, उसका कारण पता है, इसको बोलते हैं इमोर्टल, ये मैं कैंसर में भी बताऊंगा आपको, इमोर्टल सेल, पता है क्यों, गलती से क्या होता है ना, ट्यूमर सेल के पास टीलोमेरेज एक्टिविटी आ जाता है, हैव टीलोमेरेज एक्टिविटी, कैसे होता है बात मैं आपको कैंसर में बताऊंगा, टीलोमेरेज एक्टिविटी आ जाता है, टीलोमेरेज एक्टिविटी, कैंसर सेल कोई भी हो सकता है बॉडी का, सोमेटिक सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंसर सेल मतलब ट्यूमर सेल के पास टीलोमेरेज एक्टिविटी आ जाता है, कैसे आता है मैं कैंसर में बता दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब मुझे बताओ निशा माइकॉन, अब मुझे बताओ, अगर कैंसर सेल के पास, ट्यूमर सेल के पास टीलोमेरेज एक्टिविटी है, तब तो बॉडी में सेल दिन दुगनी रात चौगुनी बनती जाएगी, यस और नो निशा? Yes, और नया सेल भी एकदम मस्त तगड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो सर, बनेगा। और नया सेल जो बनेगा वो भी नया सेल जो बनेगा फिर वो भी नया सेल बढ़िया वाला वाला मामला की बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो। यस सर। तो क्या सेल डिवीजन एनिमिट होगा, तो क्या सेल डिवीजन एनिमिट होगा कैंसर सेल में? नहीं रुकेगा वो, तो नहीं रुकेगा, चलिए माइक बंद कीजिए। तो सेल का गांठ बनने लगेगा, गांठ मतलब कलेक्शन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल आपस में डिवाइड कर करके क्या होने लगेंगे, गांठ बना लेने लगेंगे, ठीक है। कैंसर में भी बताऊंगा बच्चा, ठीक है। कुल मिला के बात ये होगा कि ड्यू टू टीलोमेरेज एक्टिविटी कैंसर होने के चांसेस होंगे, कब, जब टीलोमेरेज एक्टिविटी को नहीं होना था तब टीलोमेरेज एक्टिविटी आ गया, वो भी सोमेटिक सेल में आ गया, इससे कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा सवाल, ये भी नहीं आया था नीचे में, ठीक है, सुनेगा ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन के, हाँ बोलो सर, डिवीजन भी उसको फास्ट हो जाता है ना बहुत। अरे ठीक है यार, वो कैंसर में बताएंगे सबको, यहाँ क्यों ऐसे कंफ्यूज करोगे, तुम कैंसर पढ़ ली हो ना, चुप रहो, ये लोग कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है, तुमको पता है डिवीजन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, चुप रहो, ये लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात अभी यहाँ मत लाओ, हाँ,
तो ट्यूमर सेल के पास टेलोमरेज एक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल डिवाइड करते रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अब आप बताइए, अगर टेलोमरेज एक्टिविटी कैंसर सेल में, तब तो डिवाइड करते ही रहेगा, तो कैंसर पेशेंट के लिए नुकसानदेह बात है। सवाल क्या आया था, सुनेगा ध्यान से, अगर गलती से कैंसर सेल में कोई रेडिएशन डाल दे, रेडिएशन से म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब क्या, जीन में चेंज, गलती से अगर कैंसर सेल में म्यूटेशन डाल दें, गलती से डालें या जानबूझ के डालें, और वो म्यूटेशन अगर कैंसर सेल के टेलोमरेज एंजाइम को बनाने वाले जीन को इनएक्टिव कर दे, क्या बोला, अगर कैंसर सेल में म्यूटेशन हो जाए और टेलोमरेज एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए और वो जीन इनएक्टिव हो जाए, तो क्या ये कैंसर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, सभी लोग चैट में बोलिए, चैट में जवाब देना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक ट्यूमर सेल के पास टेलोमरेज एक्टिविटी होता है, और टेलोमरेज एक्टिविटी कैंसर सेल के पास है, तो ये पेशेंट के लिए हार्मफुल बात है, सेल का गांठ बनते जाएगा, ठीक है, यह हार्मफुल बात है। अगर कैसे भी कैंसर पेशेंट के अंदर ट्यूमर सेल में टेलोमरेज एंजाइम को बनाने वाले जीन इनएक्टिव हो गए, मतलब म्यूटेशन हो गया उसमें, तो ये म्यूटेशन हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, सभी लोग चैट में बोलिए। शाबाश, बेनिफिशियल है। यही था टीएमटी का क्वेश्चन। बेटा यहाँ एक क्वेश्चन डील करने के लिए ना मुझे आधा घंटा मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं समझाता हूँ, रटाता नहीं हूँ। मैं चाहता तो सीधे बोल देता, याद कर लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इन जनरल कहते हैं म्यूटेशन आर रेयरली यूजफुल, म्यूटेशन आर जनरली हार्मफुल, म्यूटेशन जनरली नुकसानदेह होता है, रेयरली यूजफुल। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां म्यूटेशन यूजफुल आपको दिख रहा हो, डायरेक्ट बोलना, सर कैंसर सेल के अंदर टेलोमरेज एक्टिविटी पाई जाती है, अगर उस टेलोमरेज एक्टिविटी मतलब ड्यू टू टेलोमरेज एंजाइम, अगर उस टेलोमरेज एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन करा दें और वो जीन इनएक्टिव हो जाए, तो ये म्यूटेशन हार्मफुल नहीं, बेनिफिशियल है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर टेलोमरेज एक्टिविटी चली गई तो अब सेल डिवाइड करना रुक जाएगी और सेल का गांठ बनना रुक जाएगा, और ये कैंसर पेशेंट के लिए फायदे की बात है, यही मुझे बताना था। म्यूटेशन इन टेलोमरेज एंजाइम फॉर्मिंग जीन इन कैंसर पेशेंट इन कैंसर सेल इज बेनिफिशियल, एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल म्यूटेशन विच इज वेरी वेरी रेयरफुल इन नेचर। यहां पे जाके अब आपका डीएनए रेप्लिकेशन ऑफिशियली समाप्त होता है। बोलिए, ये बात सभी को समझ में आ गया, बात खड़ा कीजिए, ये टेलोमरेज एक्टिविटी वाली बात सभी को समझ में आ गई, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। रिभा, समझ में नहीं आया, रिभा इसका लेट से हाथ खड़ा होता है, पता नहीं क्यों, फोन स्लो है लगता है इसका। चलो, तो यहां जाके आपका डीएनए रेप्लिकेशन समाप्त होता है। अब आप क्या करेंगे, एक बार दोबारा आप पूरा डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेना, वैसे अब कुछ इसमें डाउट बचा नहीं है। आज मैंने जो भी बताया है आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। मेरा लेवल हाई है, मैं पहले ही बोलता हूं, मैं हाई लेवल से पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन जीरो से उठ के हाई तक जाता हूं। ये सब बात आप ढूंढ लेना यूट्यूबर में, बहुत सारे यूट्यूबर ये सब चीज नहीं पढ़ा रहे, टीचर भी ढूंढ लेना इधर उधर, नहीं पढ़ाते हैं सब चीज, उनको खुद को नहीं पल्ले पड़ेगा कि यहाँ पे म्यूटेशन बना और वो यूजफुल है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, ये बात जो मैं बात कर रहा हूँ ना, टेलोमरेज एक्टिविटी, ये मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तीन चैप्टर में इसका जिक्र करता हूँ, सेल में भी जिक्र करता हूँ, डिजीज में भी जिक्र करता हूँ, जब मैं डिजीज पढ़ाता हूँ कैंसर वहां पर भी जिक्र करता हूँ, और मॉलिक्यूलर में भी जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल बैच चल रहा है, मैंने यहाँ पे अच्छे से जिक्र कर दिया है, अब मैं कहीं और जिक्र नहीं करने वाला। डिजीज में केवल इतना बोलूंगा, ट्यूमर सेल के पास टेलोमरेज एक्टिविटी होता है, और अगर इस सेल में म्यूटेशन हो जाए तो इस पेशेंट के लिए ये बेनिफिशियल है। लाइट चला गया है, चलो लाइट चला गया और आ भी गया, लेकिन नेटवर्क कट गया, कोई बात नहीं है, आप एनसीईआरटी वही पढ़ लेना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।